दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान ताऊते की तबाही के बाद अब देश के पूर्वी तटीय क्षेत्र में साइक्लोन यास का खतरा मंडराने लगा है। जी हां, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान यास ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों तक पहुंच सकता है। जी हां, मौसम विभाग ने शनिवार को बताया है कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बन रहा है, 24 मई तक ये तूफान में तब्दील हो सकता है। हालात को लेकर नौसेना और आपदा प्रबंधन तैयारी में जुटा हुआ है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 8 बार राहत दल और 4 गोताखोर दलों को तैनात किया गया है। दोस्तों बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से अपने ही सरकार के खिलाफ यानी कि मोदी सरकार के खिलाफ ट्विटर पर अपना बम फोड़ा। जी हां, देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच चक्रवाती तूफान ताऊते ने महाराष्ट्र, गुजरात और केरल समेत कई तटीय राज्यों में तबाही मचाई। जी हां, बीते बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ गुजरात में ताऊते प्रभावित इलाकों का दौरा किया और 1,000 करोड़ रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता की घोषणा कर दी। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अब सिर्फ गुजरात के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। जी हां, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात गए तो तुरंत आर्थिक सहायता के रूप में 1,000 करोड़ रुपए का चेक जारी कर दिया। जी हां, उन्हें अब निष्पक्षता दिखाते हुए इससे भी बड़ी राशि की घोषणा करते हुए महाराष्ट्र और केरल के लिए भी चेक जारी करना चाहिए। जी हां, चक्रवाती तूफान ताऊते ने 3 राज्यों को भारी क्षति पहुंचाई और ये राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र और केरल। लेकिन इन 3 राज्यों में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात का दौरा किया क्योंकि गुजरात में उसकी सरकार है, बाकी 2 राज्यों में उसकी सरकार नहीं है, इसीलिए वह वहां पर नहीं गए। दोस्तों बिहार के बहुत से गांव के मुसलमान टीका लगवाने में झिझक रहे हैं। जी हां, और उनकी इस झिझक का ताल्लुक धर्म से नहीं है, क्योंकि जमाते इस्लामी हिंद और दूसरे इस्लामी धर्म गुरु पहले ही कोरोना टीकाकरण अभियान की हिमायत कर रहे हैं। जी हां, उसकी बजाय अंदर गहरे तक बैठी असुरक्षा की भावना, गलत धारणाएं, मोदी सरकार का अविश्वास और जानकारी का अभाव, इन सबका नतीजा ये निकला है कि इस उत्तरी सूबे में मुसलमान कम संख्या में टीके लगवा रहे हैं। जब एक न्यूज चैनल ने 18 मई को बिहार में मुजफ्फरपुर जिले सरफुद्दीन गांव में 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए चल रहे एक टीकाकरण अभियान का दौरा किया तो पूरे दिन एक भी मुसलमान टीका लगवाने नहीं आया। एक 49 वर्षीय आशा वर्कर बिमला देवी, जो कि 15 अप्रैल से ग्रामीण बिहार में कोविड-19 टीका लगवा रही है। जी हां, उन्होंने उस न्यूज चैनल को बताया कि वैक्सीन को लेकर झिझक हालांकि एक सामान्य समस्या है, लेकिन मुसलमान समाज में यह ज्यादा प्रमुखता से है। बिमला ने कहा कि वैसे तो बहुत सारी अफवाहें हैं, लेकिन मुसलमान समुदाय में उनमें एक यह भी है कि वैक्सीन से प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के आम उत्पादक किसानों को कीट हमलों के चलते अपनी फसल बर्बाद होने का डर सता रहा है, जिससे बिहार के आम खाने वाले शौकीन को झटका है, क्योंकि बिहार में मालदा आम की खूब बिक्री है। बिहार के लोग मालदा आम खूब पसंद कर रहे हैं। जी हां, मालदा के कई इलाकों में यह फसल कीट हमलों की चपेट में है। आम की बेहतरीन किस्म के लिए मशहूर इस क्षेत्र के अनेक किसानों को कोरोना लॉकडाउन के कारण निर्यात नहीं कर पाने और फिर स्थानीय खरीदारों की कमी के चलते पहले ही नुकसान की आशंका सता रही है। जिला बागवानी कार्यालय के उप निदेशक के अनुसार सूली पोका नमक कीट बीते 3-4 साल से अधिक समय से आम की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह कीट आमों की सतह पर अंडे देती है, यह जिनका आकार बहुत छोटा होता है, इसके बाद लार्वा फल के अंदर चला जाता है और फसल खराब हो जाती है। दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म हुए लगभग 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। जी हां, और अब चुनाव में राजनीतिक दलों की तरफ से किए गए खर्च का ब्यौरा भी सामने आ रहा है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बिहार में पहले की अपेक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने 74 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन चुनावी मैनेजमेंट के लिए बीजेपी ने बिहार में 72 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। आयोग को दिए गए अपने खर्च के ब्यौरे में बीजेपी ने बताया है कि उसने विधानसभा चुनाव में 71 करोड़ 73 लाख रुपए
खर्च किए। जी बीजेपी ने चुनाव आयोग को बताया है कि उसने सबसे ज्यादा खर्च अपने स्टार प्रचारकों के चैनल पर किया। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ जैसे स्टार प्रचारकों की प्लेन पर यानी कि हवाई सफर पर तकरीबन 24 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए। औसत आंकड़ों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने एक विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने में लगभग 96 लाख रुपए खर्च किए। यह इतना ही नहीं, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए 16 करोड़ से ज्यादा की राशि दे डाली। लगभग सभी उम्मीदवारों को बीजेपी ने 15-15 लाख रुपए चुनाव लड़ने के लिए दिए। दोस्तों, कोरोना महामारी का प्रकोप देश भर में जारी है। कोरोना संकट में लोगों की ढाल बने डॉक्टरों की भी जान गई है। जी, कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में 420 डॉक्टरों की जान चली गई। जी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक दूसरी लहर में सबसे ज्यादा दिल्ली के 100 डॉक्टरों की जान चली गई। इसके अलावा बिहार में 96 डॉक्टरों की जान गई। यूपी में 41 डॉक्टरों की कोरोना के चलते जान चली गई। जी, आंध्र प्रदेश में 26, असम में 3, गुजरात में 31, गोवा में 2, हरियाणा में 2, महाराष्ट्र में 15, मध्य प्रदेश में 13 डॉक्टरों की जान चली गई इस कोरोना की वजह से। सबसे कम पंजाब और पुडुचेरी में है, यहां एक-एक डॉक्टर की जान गई है। झारखंड में भी आईएमए ने दूसरी लहर में मारे गए डॉक्टरों की लिस्ट जारी की है। दोस्तों, महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। जी, घरेलू सरकारी तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल और डीजल का भाव जारी कर दिया है। जी, आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। आज पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं। जी, इससे पहले कल पेट्रोल के दाम 19 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि डीजल की कीमत में जहां 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। इस बढ़ोतरी के साथ ही बिहार में पेट्रोल 97 रुपए के पार चला गया था। जी, आपको बता दूं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार रुक रुक कर बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते देश के सभी शहरों में ईंधन के दाम ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। जहां 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। जहां पिछले 12 दिनों में पेट्रोल 2.69 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है, जबकि डीजल की कीमत 3.07 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, विदेश की यात्रा करने वाले नागरिकों को लिए शनिवार से एक नया नियम एयरपोर्ट पर लागू हो गया है। दरअसल, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फैसला किया है कि विदेश जाने वाले यात्रियों को अब एयरपोर्ट पर QR कोड वाली कोरोना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी यात्रियों को विमान में चढ़ने की अनुमति मिलेगी। आपको बता दूं कि यह फैसला इसीलिए लिया गया है क्योंकि कई बार एयरपोर्ट पर या कहीं भी कोरोना की फर्जी रिपोर्ट से भी अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जाती है। इसलिए अब QR कोड वाली कोरोना रिपोर्ट के जरिए लैब और रिपोर्ट दोनों की वैलिडिटी का पता लगाया जा सकेगा। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश में ब्लैक फंगस के मामले में बढ़ोतरी और जरूरी दवा की कथित कमी को लेकर चिंता प्रकट करते हुए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगाह किया है कि इस बीमारी के मरीज को राहत प्रदान करने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाए जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि केंद्र ने राज्यों से ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के लिए कहा है। सोनिया गांधी ने कहा है कि महामारी घोषित करने का मतलब यह है कि इसके उपचार के लिए जरूरी दवाओं का पर्याप्त उत्पादन और आपूर्ति सुनिश्चित करना आवश्यक है, तथा मरीजों की मुफ्त देखभाल की जाए। दोस्तों, एक ओर कोरोना महामारी देश भर में कहर बरपा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर इसको लेकर अफवाहों का दौर जारी है। इस मामले में अब भारत सरकार ने सख्ती का मूड बना लिया है, जिसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को साफ निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे कंटेंट को तुरंत हटा दें जिसमें इंडियन वेरियंट शब्द का प्रयोग किया गया है। यह सरकार का मानना है कि इस कदम के बाद फेक न्यूज पर लगाम लगेगी। हालांकि अभी तक IT मंत्रालय ने इस मामले में कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक इंडियन वेरिएंट शब्द को लेकर IT मंत्रालय ने फेसबुक, ट्विटर समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि B.1.617 को इंडियन वेरिएंट कहा जा रहा है, जबकि WHO की किसी भी रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि भारत में कोई स्पेशल वेरिएंट है। इसके अलावा कुछ मीडिया हाउस ये भी खबर फैला रहे हैं कि भारतीय वेरिएंट दुनिया भर में फैल रहा है। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें कोरोना से जुड़े फेक कंटेंट को हटाने को कहा गया था।
दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर को खत्म करने के लिए देश में 18 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को टीकाकरण अभियान जोरों से जारी है। सरकार की तरफ से ये कोरोना को रोकने के लिए एक बड़ा कदम है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। रोजाना लाखों लोग वैक्सीन का डोज लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जहां वही लोग इस बात को लेकर भी काफी परेशान है कि वे कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन में से कौन सी वैक्सीन को चूज करें। वही लोगों की वैक्सीन में लेट होने का एक कारण यह भी है, जो कुछ लोग खुद से एक वैक्सीन दूसरे से बेहतर बता रहे हैं। ऐसे में लोगों को जब तक उनकी अपनी पसंद की वैक्सीन का स्लॉट नहीं मिल रहा है, तो वे तब तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर रहे हैं। देश में हर कोने में दो वैक्सीन लगाई जा रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड और कोवैक्सीन WHO मानकों पर खरी उतरी है। आपको बता दूं कि दोनों कोविड से बचाव के कारगर हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को पारंपरिक तरीके से बनाया गया है। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि यह वक्त टीके के ब्रांड चूज करने का नहीं है, ऐसे में लोगों के लिए वैक्सीनेशन को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। वहीं डॉक्टरों ने बूढ़े लोग और जो लोग खून पतला करने की दवाई खाते हैं, उन्हें कोवैक्सीन न लेने की सलाह दी गई है। दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस लोगों को अपनी चपेट में ले ही रहा था कि अब व्हाइट फंगस भी आ गया है। यह बिहार में व्हाइट फंगस के 4 मामले सामने आए हैं। जिन 4 मरीजों में व्हाइट फंगस की पुष्टि हुई है, वे सभी पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी कि PMCH में भर्ती है। रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य विशेषज्ञ व्हाइट फंगस को ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं, क्योंकि यह शरीर के अन्य भाग जैसे त्वचा, पेट, गुर्दा, मस्तिष्क, निजी अंगों और फेफड़ों के अलावा मुंह को प्रभावित कर सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक दूसरे राज्य में व्हाइट फंगस के फैलने के ज्यादा सबूत नहीं मिले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह संक्रमण जितना खतरनाक हो सकता है, फिलहाल इसकी मृत्यु दर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी केवल 4 मामलों की ही पुष्टि हुई है। यह व्हाइट फंगस के मरीजों में कोरोना जैसे लक्षण दिखाई दिए हैं। हालांकि मरीजों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि इस फंगल के संक्रमण का पता लगाने के लिए HR CT स्कैन की आवश्यकता हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना संक्रमण की तरह ब्लैक फंगस भी कम एंटीबॉडी वाले लोग, अपने पहले से मौजूद चिकित्सा समस्याएं, डायबिटीज वाले लोग या फिर स्टेरॉइड का उपयोग करने वाले लोगों में संक्रमण का अधिक खतरा होता है। दोस्तों पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। संक्रमितों की बढ़ती संख्या में कुछ कमी तो आई है, लेकिन कोरोना के आंकड़े अब भी डरा रहे हैं। वही कोरोना की दूसरी लहर ने संक्रमण और कोरोना से हो रही मौतों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस लिहाज से मई का महीना सबसे घातक रहा। अकेले मई महीने में कोरोना के 71 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, यानी कि अकेले मई महीने के बीते 21 दिनों में कोरोना का आंकड़ा 71 लाख को पार कर गया है। इस महीने जहां संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है, वहीं इस महामारी में जान गंवाने वालों का आंकड़ा भी सबसे ऊपर रहा। यह टाइम्स ऑफ इंडिया में दिए गए आंकड़ों के अनुसार मई महीने की बीते 21 दिनों में तकरीबन करीब 83,135 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान चली गई, जबकि इससे पहले एक महीने में मृतकों का आंकड़ा सबसे ज्यादा 48,768 रहा था। यानी कोरोना संक्रमण के लिहाज से और इससे हुई मौतों के लिहाज से इसी महीने सबसे ज्यादा घातक रहा। दोस्तों अगर आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो फिर आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल बैंक अपने ग्राहकों को आधार कार्ड को लेकर एक अलर्ट जारी कर चुका है और कहा है कि आप जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड बैंक से लिंक कर लें। बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए भी अलर्ट जारी किया है, जिसमें बताया है कि ग्राहकों को आधार कार्ड को लेकर किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ऐसे में जानते हैं कि SBI की ओर से क्या अलर्ट जारी किया गया है और आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। साथ ही जानते हैं कि आखिर आप किस तरीके से घर बैठे अपने बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। SBI ने अपने सभी ग्राहकों के लिए आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा ना करने पर उन लोगों को नुकसान हो सकता है जो सरकारी सब्सिडी ले रहे हैं। आपको बता दें कि बैंक अकाउंट के आधार कार्ड लिंक ना होने पर आपको सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी मिलने में मुश्किल हो सकती है, इसीलिए आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो फिर जल्द से जल्द लिंक करवा लें। कोरोना संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस की चर्चा अब लोगों को डराने लगी है। लोग ब्लैक फंगस को लेकर अधिक जानना चाह रहे हैं। बिहार में अब तक ब्लैक फंगस के 50 से अधिक मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से कई स्वस्थ भी हो गए हैं। इस बीच पटना एम्स के डॉक्टर अनिल कुमार का कहना है कि ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, ये बहुत पहले की बीमारी है, पहले भी ये बीमारी थी। उन्होंने कहा है कि इससे डरने नहीं बल्कि सचेत और जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि कम इम्यूनिटी वाले लोगों को मिट्टी से भी ब्लैक फंगस का
का संक्रमण हो सकता है। यह मिट्टी नमी वाले स्थान, सड़ी वस्तुएं भी कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों के लिए ब्लैक फंगस का कारक हो सकते हैं। यह डॉक्टर अनिल कहते हैं कि यह फंगस पहले भी था लेकिन कोरोना काल में यह ज्यादा प्रचलित हुआ क्योंकि अधिक स्टेरॉइड की दवा चलाई गई। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन देने के वक्त सावधानियां नहीं बरती गई। डॉक्टर अनिल कहते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप मास्क और ह्यूमिड फायर का पानी प्रत्येक 24 घंटे में बदलना चाहिए। पटना एम्स के टेलीमेडिसिन प्रमुख डॉक्टर अनिल का मानना है कि कोरोना के भय के कारण बिना किसी डॉक्टर के सलाह के स्टेरॉइड लेना ब्लैक फंगस का कारण बन सकता है। जब कोरोना काल में संक्रमण के कारण अचानक से ऐसे मामले बढ़े हैं, यानी कि जो लोग कोरोना से ठीक हुए हैं उसको ज्यादा ब्लैक फंगस होने की खतरा है। इसके बाद इसमें शुगर हाई होना, स्टेरॉइड का हाई डोज लेना, बिना एक्सपर्ट की निगरानी के डेक्सोना जैसे स्टेरॉइड की हाई डोज लेना बड़ा कारण बन सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उनका मानना है कि जो लोग स्वस्थ होते हैं उन पर यह हमला नहीं कर सकता है। हम इस बीमारी को जितनी जल्दी पहचानेंगे इसका इलाज उतना ही सफल हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि ब्लैक फंगस की रोग के लिए लोगों को शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि शुगर को नियंत्रित करने की जरूरत है तथा हमें स्टेरॉइड कब लेना है इसके लिए सावधान रहना चाहिए। यह सफाई पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ब्लैक फंगस नाक मुंह से प्रवेश कर सकता है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं करने पर ब्लैक फंगस तुरंत जानलेवा है। यह फंगस नाक आंख से होते हुए ब्रेन में जाता है। यह तब यह किसी व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है। इस फंगस के अगर पहले चरण में यानी कि नाक में ही पहचान हो जाए तो फिर इसका इलाज आसान है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए मास्क पहनना बचाव है। वे कहते हैं कि नाक के बाद ये आंख में पहुंच जाता है, यहां भी इलाज संभव है, लेकिन जब ये ब्रेन में पहुंच जाता है यानी कि दिमाग में पहुंच जाता है तब ये खतरनाक हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि इनका इलाज कोरोना की तरह टेलीफोन पर सलाह लेकर संभव नहीं है। इसके इलाज के लिए अस्पताल पहुंचना होगा। इस फंगस की पहचान बड़ी आसानी से की जा सकती है। उन्होंने कोरोना मरीजों से भी 6 सप्ताह तक सजग होने पर बल देते हुए कहा है कि ब्लैक फंगस की पहचान की जरूरत है और ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मधुमेह यानी कि शुगर की जांच कराते रहने की सलाह दी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा जिला से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक गांव के लोग घर छोड़कर दिन रात पीपल के पेड़ के नीचे गुजारते हैं और ये एक कोरोना के डर के चलते हुआ है। जहां इन लोगों ने ये सुन लिया है कि पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। यह दरअसल ये मामला आगरा के नौफरी गाँव का है। यहाँ के लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर ऑक्सीजन खींच रहे हैं। जहां इन दिनों यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। गाँव के इस सैकड़ों वर्ष पुराने पीपल के पेड़ को लोग जीवन रक्षक मान रहे हैं। यह सुबह शाम काफी संख्या में लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं। गांव के रहने वाले विनोद शर्मा ने तो पीपल के पेड़ पर ही खाट डाल दी। विनोद शर्मा का ऑक्सीजन लेवल कुछ समय पहले तक कम था, लोगों ने उन्हें सलाह दी तो उन्होंने पीपल के पेड़ पर ही खाट डाल ली। यह पिछले 15 दिन से रोजाना विनोद शर्मा पीपल के पेड़ पर ही रहते हैं, सोते हैं। यह विनोद शर्मा पीपल के पेड़ पर खाट डालकर सोते हैं और दिन भर के करीब 5 घंटे तक पीपल के पेड़ पर ही बने रहते हैं। जब विनोद शर्मा का दावा है कि उनका ऑक्सीजन लेवल अब पहले से काफी बेहतर है। विनोद शर्मा ही नहीं बल्कि गांव के अन्य ग्रामीण भी पीपल के पेड़ के नीचे डेरा जमाए हुए बैठे नजर आते हैं। जहां सुबह के वक्त गांव के लोग पेड़ के नीचे कसरत और फिर योग करते हैं और दोपहर का समय भी गाँव के लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर समय बिताते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ऑक्सीजन लेवल ले रहे कई लोगों का मानना है कि ऑक्सीजन लेवल बीमारी के चलते कम हो गया था, लेकिन जब से लोगों ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठना शुरू किया है लोगों की सेहत में तो सुधार हुआ ही है। यह ऑक्सीजन लेवल भी काफी बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से उन्हें काफी राहत मिली है, जो उनकी हालात और तबीयत सुधर गई है। ग्रामीणों का कहना है कि पीपल के पेड़ से मिल रही मदद को देखते हुए उन्होंने गांव में पीपल के पेड़ पौधे का रोपण भी किया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि धरती पर कितनी पक्षी अभी मौजूद हैं? यह अलग अलग प्रजाति की पक्षियों की गणना करके उनकी आबादी का पता लगाया जाता है। यह दुनिया में पक्षियों की एक ऐसी प्रजाति है जिनकी आबादी सबसे ज्यादा है। यह चिड़िया बहुत मुश्किल से नजर आती है। यह इसको लेकर कई तरह की रिसर्च भी हो चुकी है।
तो चलिए जानते हैं कि धरती पर अभी कितने पक्षी मौजूद है। तो धरती पर कुल मिलाकर 50 मिलियन यानी कि 5000 करोड़ पक्षी रहते हैं। ये हालांकि इनमें से सिर्फ 4 प्रजातियां ही ऐसी है जो इस पूरी आबादी का सबसे ज्यादा हिस्सा बनती है। इसमें पहले स्थान पर है घरेलू गौरिया, इसके बाद यूरोपियन स्टारलिंग्स, फिर रिंग बिल्ड गुल्स और लास्ट में बॉर्नसवेलोस। इन चारों प्रजातियों की आबादी 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। ये चिड़ियों की कुल प्रजातियां ऐसी भी है जो अब विलुप्त होने के कगार पर हैं। ये चिड़ियों की 1180 प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें हर एक में करीब 5000 पक्षी बचे हैं। दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। यह दरअसल वीडियो में बाबा रामदेव कथित रूप से एलोपैथी चिकित्सक पद्धति के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद संस्थान ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि कोरोना काल में बाबा रामदेव के खिलाफ फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने यानी कि FORDA ने भी कोविड के आज के संबंधित कठित टिप्पणी को लेकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। यह शनिवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से अनुरोध किया है कि या तो वीडियो में लगाए गए आरोपों को स्वीकार करके देश के आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को भंग करे या फिर योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके मुकदमा चलाएं। अपने बयान में IMA ने रामदेव के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है। आपको बता दें कि वायरल हुए वीडियो में कथित तौर पर बाबा रामदेव ने कहा था कि मॉडर्न एलोपैथी एक स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। IMA ने यह भी कहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित योग गुरु होने के अलावा बाबा रामदेव एक फार्मास्यूटिकल यूनिट के कॉर्पोरेट दिग्गज हैं। वे जनता को गुमराह करने के लिए अपनी कंपनी उत्पादों के बारे में कई बार झूठ बोलते हुए देखे गए हैं। जी, आपको बता दूं कि ICMR ने अभी तक रामदेव की पतंजलि द्वारा बनाई गई कोरोनिल को कोरोना के दवाई के रूप में मान्यता नहीं दी है। इसके बावजूद भी योग गुरु बाबा रामदेव नेशनल TV पर धड़ल्ले से कोरोनिल का प्रचार कर रहे हैं और उसे कोरोना के खिलाफ रामबाण बता रहे हैं। दोस्तों, केंद्र शासित राज्य लद्दाख में एक बार फिर से सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। जी हां, भूकंप के झटके से धरती कांप उठी। गनीमत बात यह रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ। जी हां, भूकंप की तीव्रता कम थी जिससे जान माल का नुकसान नहीं हुआ। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि लद्दाख में शनिवार सुबह 8:27 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के ये झटके कारगिल के पास महसूस किए गए हैं और इसकी गहराई जमीन के 40 किलोमीटर के अंदर थी। यह 24 घंटे में यह दूसरी बार है जब लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोस्तों, कोरोना महामारी में जारी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कार्य विवादों में लगातार बना हुआ है। अब केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने परियोजना के अगले चरण के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ साथ गैर जरूरी लोगों के प्रवेश पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं विभाग ने कोरोना महामारी को देखते हुए निर्माण कार्य में जुटे लोगों को बचाने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें इस क्षेत्र में प्रवेश करने वालों के लिए PPE किट का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी पुष्टि अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने की है। दोस्तों, देश में इस समय कोरोना महामारी की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। एक ओर कोरोना संक्रमण फैल रही है तो दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवाएं भी लचर दिख रही है। इसको कांग्रेस के राज्यसभा सांसद P. Chidambaram ने केंद्र की नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार पर निशाना साधा है। जो कांग्रेस नेता P. Chidambaram ने कहा कि जो हालात है उनको लेकर कम से कम सरकार ये नहीं कह सकती है कि उनको इसका अंदाजा नहीं था। वही टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर भी उन्होंने सवाल किए। पूर्व केंद्रीय मंत्री P. Chidambaram ने शनिवार को सुबह ट्वीट करते हुए लिखा है कि मोदी सरकार ये कतई नहीं कह सकती है कि हमने इन परिणामों की उम्मीद नहीं की थी। यह सरकार को कोरोना को लेकर पहले ही आगाह कर दिया गया था, कई बार उनको चेताया गया था लेकिन उन्होंने नहीं सुना। अब सरकार को अंतिम चेतावनी यह है कि अगर टीकाकरण में तेजी नहीं आई तो फिर तीसरी लहर को रोका नहीं जा सकता। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि निर्यात नीति को मंजूरी दी है। कृषि निर्यात नीति से बिहार के मखाना, लीची और आम को बाहर रखा गया है। इसका मतलब यह हुआ है कि इन फलों का निर्यात नहीं हो सकेगा। इससे बिहार के किसानों को बड़ा झटका लगा है। माना जा रहा है कि इस फैसले से उनकी कमाई प्रभावित होगी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने भी इस फैसले पर नाराजगी जताई है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का कहना है कि कृषि निर्यात नीति बनाने के वक्त राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। अभी बनी नीति से राज्य के बाग
बागवानी उत्पादकों पर असर पड़ेगा और इसकी खेती से भी जुड़े किसान भी प्रभावित होंगे। बीएयू यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रविंद्र कुमार सोहाने ने कहते हैं कि राज्य के किसान और बागवानी करने वाले लोगों की राज्य सरकार को पत्र लिखकर नई नीति में बिहार के उत्पादकों जैसे कि मखाना, आम और लीची को नहीं शामिल करने के बारे में बताया है। दोस्तों, आलू का भाव सब्जियों से आम तौर पर नरम रहता है, लेकिन इस समय आलू से भी सब्जियां सस्ती है। इससे आलू की बिक्री 75% घट गई है। साथ ही सब्जी विक्रेताओं की परेशानी भी बढ़ गई है क्योंकि आमदनी प्रभावित हो रही है। विक्रेताओं का कहना है कि कोरोना संक्रमण के कारण पटना से छात्र और दैनिक मजदूर अपने गाँव चले गए हैं, जहाँ अनुमान यह है कि इनकी संख्या कम से कम 5 लाख है, इसलिए सब्जियों की मांग घटी है। होटल और रेस्टोरेंट की खपत भी मामूली है क्योंकि लॉकडाउन के कारण वे सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी ही दे पा रहे हैं, इससे भी सब्जियों की बिक्री घटी है। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहां तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।